नमस्कार दोस्तों, जो भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा है उन सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ चुकी है। ऑल इंडिया में दोस्तों आर्मी भर्ती को लेकर अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंतज़ार जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता हुआ बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए हैं। सभी आप किसी भी ERO से हो, ठीक है, सभी के लिए इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी जाएगी, ठीक है। तो आपकी भर्ती है, आपके ERO की भर्ती है, वो कहाँ पर होगी एंड दोस्तों कब होगी, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो को क्या करना है, लास्ट तक वॉच करना है। उससे पहले अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पर आपको दोस्तों इंडियन आर्मी के रिगार्डिंग समस्त अपडेट दी जाएगी, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों हम आ चुके हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो यहाँ पर देखिए इसको लेकर, यहाँ पर अब हम बात करें दोस्तों आपकी आर्मी भर्ती को लेकर, तो ऑल इंडिया में दोस्तों अब आर्मी भर्तियाँ हैं वो यहाँ पर शुरू होने वाली है 1 अक्टूबर से, ठीक है। जल्दी आपके दोस्तों जिसमें दोस्तों जिस भी ERO के फॉर्म अप्लाई करवा गए हैं, जैसे कि राजस्थान में बात करें तो अलवर ERO के फॉर्म में वो अप्लाई हो चुके हैं, तो इनकी भर्तियाँ। साथ ही दोस्तों जिस भी ERO में, जैसे कि बरेली के दोस्तों फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं और जिनकी भर्तियाँ यानी पोस्टपोन हुई थी, फॉर्म भरवाए हुए थे, ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद की भर्ती हुई, उन सभी की भर्ती दोस्तों यहाँ पर 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। यानी कि फिक्स 1 अक्टूबर से शुरू होगी ऐसा नहीं है, यानी कि अक्टूबर में आपकी भर्तियाँ वो उनकी शुरू हो जाएगी। साथ दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो भी निकलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों यहाँ पर इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही थी इंडियन आर्मी की तरफ से, ठीक है। ये दोस्तों इतना वेट करना पड़ा था, कोविड का दोस्तों बहाना था, लेकिन दोस्तों कुछ अलग ही कारण था इनका भर्ती नहीं कराने का, ठीक है। और एग्जाम की बात करते तो दोस्तों लिखित परीक्षा भी अब करवाई जाएगी, ठीक है। अब बात करें दोस्तों किस ERO की कब कब भर्ती हो सकती है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करें बरेली की, अलवर की, अहमदाबाद की, इन सब की अक्टूबर में भर्ती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अक्टूबर लास्ट तक इनकी भर्ती कंप्लीट भी करवा दी जाएगी। साथ ही दोस्तों बात करें झुंझुनू ERO के, जिनके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, तो झुंझुनू ERO की भर्ती है वो यहाँ पर नवंबर में कंडक्ट कराने की पूरी तैयारी यहाँ पर चल जा रही है, ठीक है। साथ ही दोस्तों काफ़ी लोग इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं, तो सरकार पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर भी है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों जोधपुर ERO की बात करें तो जैसे ही झुंझुनू की खत्म होगी तो उसके बाद में जोधपुर की भर्ती है वो यहाँ पर करवाई जाएगी। तो दिसंबर तक ऐसा आइडिया लग रहा है कि जोधपुर ERO की भर्ती होगी, ठीक है। उसके बाद में जयपुर ERO की बात करें तो जयपुर ERO की उसके बाद में यहाँ पर जनवरी में भर्ती, जब इनकी भर्ती यहाँ पर अच्छी तरीके से हो जाएगी तो जयपुर की भी करवा दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑल इंडिया में इसी तरीके से का प्रोसेस चलेगा, यानी कि जिसका नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके फॉर्म अप्लाई करवा चुके हैं, उनकी भर्ती तो दोस्तों आपकी हो जाएगी अक्टूबर में। एंड दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो न्यू निकलते रहेंगे और दोस्तों आपकी भर्ती यहाँ पर होती रहेगी, ठीक है। 2021-22 का अप्रैल तक उनको शेड्यूल पूरा करना रहता है, अप्रैल से पहले पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, आपका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके नोटिफिकेशन आने वाले हैं, जैसे ही आएंगे मैं वीडियो बनाकर पहुँचा दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। हर ERO का नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा जैसे ही वेबसाइट पर आता है, तो ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।